पंज सी मेरे नाल जास्ती करते सी, मैं मारदे भी रहन, मेरे ते पिस्तौल भी रखते रहन, कहते तेन मार देना इत्थे तेन गड देना इंज कहते सी मैनू। मेरी मम्मी ने दस्या ते मेरी मम्मी कहती हुण असीं की कर सकने आ, मैं अपने भाई नाल अख नहीं मिलांदी, जे मैनू इंसाफ ना मिलिया ना मैं अपने आप नूं अग ला लैणी। कला कला बेटा तो उन्हें धमकी देंदे रहने, पिस्तौल बहाते रहने, खून खून हो कपड़े सारे पाटे, असी कोई इज्जत नहीं रही है, बर्बाद कर दिता दुनिया ने, ना सा कोई सुनता पाया, ना कोई मदद करा दिया, ना कोई इंसाफ कर दिया, बस वेख वेख के हसी जाते हैं, पैसे ही खाने वाले ने सारे लोग, हूँ ना मैं मरिया ना मैं जिंदा कोई नहीं को मेरी सुनता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन आज मैं कोर्ट पिंडी दास में मौजूद हूँ, ये एक गांव है और मेरे साथ सिद्रा मौजूद हैं जो इसी गांव की रिहायशी हैं। इसकी उम्र तकरीबन 17 साल है और ये बाहर जाती है पेशाब करने के लिए खेतों में, और वहाँ पर 5 अफराद आते हैं, इसको अगवा करते हैं और फिर इसको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। सारा मामला क्या था इसी से जानते हैं। सिद्रा है, सारा मामला की सी, कौन सी वो मुंडे जिन्होंने अगवा किया सी, ते कत्थे गई सी तू? मैं बाहर गई सी ना, ते नंद साडे वाशरूम नहीं है, असी बाहर जानी है पेशाब करन। अच्छा। ते मेरे नाल एक बच्चा भी गया सी उधर दा भी, वो अपने घर नस गया सी, ए मैनूं चुक के लै गए सी, मुंह बन के लगे दो जानी, एक दा नाम सुने सी, एक दा नाम जेब कहंदे सी ते सांबा कहंदे सी। टोटल किन्ने मुंडे सी? पंज सी, मेरे नाल जास्ती करदे सी। कित्थे लै कर गए सी? बाहर टूबल ते। टूबल कित्थे है, नजदीक ही है? नहीं बड़ी दूर सारी, इत्थे नहीं है। अच्छा। बड़ी इत्थे जाके की कीता उन्होंने? जुल्म करदे रहे मेरे नाल, मैं मारदे भी रहन, मेरे ते पिस्तौल भी रखदे रहन। अच्छा। फिर नांदा ना एक किसी ने फिर थोड़ा जिहा बेरहम आ गया सी, वो मैनूं छड्ड के गया, इत्थे सुट गया सी, मेरी अम्मी फिर आई मैनूं नहीं पटे सी, सारे कपड़े फटे सी। हाँ। घर आके तू की दसया? मेरी मम्मी ने दसया, ते मेरी मम्मी कहंदी हुण असीं की कर सकने आ, कुछ भी नहीं असीं कर सकदे हैगे नाल, जे मैनूं इंसाफ ना मिलिया ना मैं अपने आप नूं अग ला लैणी, मैनूं इंसाफ चाहीदा है। मुल्ज़मान गिरफ्तार होए ने हले? नहीं होए हैगे, इंजी नसे फिरदे ने, साडे इत्थों लंघ के जांदे, मेरे भाई नूं थले मुकर लैंदा, जदों तेनू कमरे च लैके गए सी ओदों भी धमकियां देंदे पे सी? हाँ। धमकियां देंदे सी? कहते तेन मार देना इत्थे तेन गड देना इंज कहंदे सी मैनू। उन्होंने क्यों कोई मेडिसिन वगैरह खिलाई सी? नहीं खिलाई सी। पानी वगैरह पिलाया? कुछ भी नहीं पिलाया मैनू। सिद्रा की वालिदा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बच्ची ने आकर क्या बताया था और बच्ची किस हालत में थी। माँ जी, सिद्रा तुहाडी बेटी है? हाँ मेरी बेटी। की मामला होया सी? इन्हें चुक के लागे सन सड़क तो। कौन लोग सी? एक मोह लोग सन। अच्छा। चुक के लागे सन, इन्हें इत बर्बाद कर दी मेरी धी की, मैं बड़े वक्त नाल बचाई, खूनों खून हुई सी, कपड़े ने सारे पाटे सी। जो घर आई सी? आहो जो घर आई सी, इन्हें मसा चुक के लियाई, इन्हें होश नहीं सी आई। कित्थे सुट के गए सी? इत्थे मरदसे कोल, साडे कोल मरदसा, उत्थे सुट के गए। किस तरह पता चलिया सी कि बच्ची अगवा हुई सी? ना सड़क ते लभदे फिरदे सी, ते सानू फिर उत्थों आवाज सुनिची आंदी, रात दा एक वज गया, असी रो रो के, साडा कोई हाल नहीं रहा है, असी मर गए थां रो रो के, कोई नहीं कुछ साडी सुनदा पिया, कोई इंसाफ नहीं करदा पिया। बच्ची दी हालत किस तरह दी सी? बच्ची दी हालत बहुत खराब सी, बहुत खराब सी, खूनों खून होई सी, कपड़े फटे हुए सी, कपड़े सारे फटे हुए सी, इन्हू चक वडीचे सी, धोण ते गले ते बाहां ते
इहदा कोई हाल नहीं, अशर ही सेगा। मैं किन्ने दिन टीके टूके लवाए फिर सही ठीक होई। मेडिकल होया बच्ची दा? मेडिकल भी कराया। बच्ची च साबित होई ज्यादती होई है? ज्यादती होई। अच्छा। चार बंदे ज्यादती कीती। मेडिकल रिपोर्ट किन्दे कोल है? मेडिकल रिपोर्ट चौधरी कोल। चौधरी कौन है? चौधरी रणजीत सिंह। कौन है इत्थे पिंड दा चौधरी है? पिंड दा चौधरी। उन्हें एफआईआर कटवाई? उन्हें करवाई। सारा मामला उन्हें पता है? सारे मामला उन्हें पता है। एफआईआर ते की कुछ लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा लिखवाया तो उन्होंने पता, मैंने को नहीं पता है। मैं नाल गई हूं। अभी तक की कार्रवाई हुई है? कार्रवाई ये हुई है कि थाने रिपोर्ट उन्होंने दी, पर्चा कराया, चार बंदे फड़ीचे ने, एक एक बच्चे का ना प्यो फड़ीचा है, उन्हें 10-10 हज़ार रुपया भर के कच्चिया जमानत करा के लिया उन्होंने घर, तो हूँ भला की कह देने 10 दिनों फिर फड़ीचन गए। इस तरह कहते पैन। चार मुंडे से उन्होंने तुम जानते? नहीं असि को नहीं जानते। पिंड दे मुंडे नहीं? पिंड दे ही ने। पिंड दे ही नहीं, दूरों पर असि खेतां विच कोई मिंजरां चुगन टुर जाने, कोई लोगों के पट्ठे पुट्ठे इस तरह करके गरीब लोग हैं करके खाने। उन्हां दे घर वाले कोई धमकियां दिंदे ने? धमकियां दिंदे ने। ते की धमकियां दिंदे? मेरे कला कला बेटा है तो उन्हें धमकी दिंदे रहने, पिस्तौल वहांदे रहने कि तू साडा की कर लिया। घर आंदे से मेरा बेटा रो रो के, वो बेचारा हुण मुँह वलेड़ के जांदा ते मुँह वलेड़ के आंदा, वो शर्मिंदा हुंदा। इज्जत नहीं रही? कोई इज्जत नहीं रही है, साड़ी बर्बाद कर दिता दुनिया ने, ना साड़ी कोई सुनदा पिया, ना कोई मदद करान दिया, ना कोई इंसाफ करन दिया, बस वेख वेख के हसी जांदे ने, पैसे ही खाने वाले ने सारे लोग। सिदरा दा अब्बा की काम करदा? सिदरा दा अब्बा मेहनत मजदूरी करदा, मजदूरी लभ गई कर ली, ना लभी ना सही, कोई नहीं पक्के लगे कच्चे ही ने, लभ गया कर लिया नहीं तो ना सही, कोई कारोबार नहीं साडे। इस पिंड दी हर कुड़ी बाहर जांदी खेतां च वाशरूम करन? सारिया जांदियां साडे बाहर तू नहीं हैगी। कदे पहले भी कोई इस तरह दा वाकया होया? ना कदी नहीं होया, पहली बार होया वाकया। साडी दुश्मनी सी तुहाडी किसे नाल? कोई साडी दुश्मनी नहीं, किसे नाल नहीं दुश्मनी है, पता नहीं की बनया, पता नहीं लोकां ने केड़ी दुश्मनी मेरे नाल ले ली। सिदरा दा किसे दे नाल कोई ताल्लुक हैगा सी? ताल्लुक सिदरा दा किसे नाल नहीं, बस अपनियां आ कुड़ियां ते इहनां दा ड्रामा ड्रूमा वेख के ते घर टुर जांदी सी, ते मैं भुलेखे रही, मैं कहा चलो अज भी ड्रामा वेख के ते घर आ जाएगी। मैं वेखती रही वेखती रही, मैं लभदी रही लभदी रही, मैंने कोई चीज़ नहीं नज़र आई। रात का 1 बज गया, पैर मेरे इस तरह नंगे, उत्तों बारिश पैन दई सी, उत्तों धूड़ जी पई सी, रात नेरी सी, मैं लभ लभ के खब गई। फिर मैं इधरों आवाज़ सुनिया शर्क तू, इधरों फिर मदरसे कोल सुट गए, वेख्या तो मेरी कुड़ी अंजे मर गई, फौत हो गई, इस तरह हो गई, बेदल हो गई। इतों फिर इन्हें अबू तो मैं चुक के लिया, चुक के असी इन टीके टूके लवाए, दवा दुआ ला के दतिया ने, तो फिर बेचारी ठीक हुई। कोई हाल नहीं सी, कोई अशर नहीं सी, मैं तो आख्या मर गई, मैं तो ये सोचा हूँ, ना मैं मरिया विचों ना मैं जिंदा विचों, कोई नहीं को मेरी सुनता, दसो मैं किधर जावा की करा, एक मैं गरीब हाँ, मैं पैसे भी लाने जोगी नहीं हैगी। लोग उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? कोई नहीं, इंसाफ मिलता ही नहीं पाया, कोई इंसाफ करे तो फिर है ना, अल्लाह भी राजी होगा जी मेरे इंसाफ करेगा। मैं बहुत गरीब हाँ, ना मेरी सस, ना सहुरा, ना अम्मी, ना अबू, मैं जतीम हाँ, अगो मेरे 3-4 बाल ने, बच्चे ने, दसो मैं किधर जावा, मैं रात रोटी नहीं खाती, रात मैं भुखी सो जानी, मैं मनख नाल भुख नहीं लगती है, मनख नाल ना मैं भुख नहीं लगती, मैं भुखी सो जानी, नहीं दिल इसे वजह तो, इसे वजह तू मेरा दिल नहीं करता रोटी खा लव, ना मैं मरिया विचों ना मैं जिंदा विचों, मैं मर गई हाँ, कोई हाल नहीं मेरा दुनिया से, मेरा दिल करता किसी किसी टाइम मैं गोली खा के मर जाव, क्यों मेरा जीन का फायदा ही कौन नहीं दूंगा। तुम्हारी बेटी भी कहती पी है मैं भी मर जाना है, दसो की करिए, सानू दुख मिल गया ने ना, आ दुख इस तू वड्डा उच्चा दुख केड़ा होंदा, दसो मैंने पहले दसो, कोई नहीं कुछ सुनता पाया, कोई मेरी मदद कराओ, मदद करो मेरी, ना साफ करो। बिल्कुल जी, सारा मामला आपने सुन लिया। और सिदरा की वालिदा इंटरव्यू से पहले कह रही थी कि बहुत से मीडिया वाले आए हमारे पास, बहुत से इंटरव्यूज हुए, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुंचाई, किसी ने हमारी आवाज़ पुलिस तक नहीं पहुंचाई। अभी तक मुलजमान आज़ाद फिर रहे हैं, जब भी गांव से गुजरते हैं तो धमकियां देते हुए गुजरते हैं, जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो आँखें दिखाते हैं। सिदरा का एक ही भाई है जो इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहा कि वो बहन का सामना किस तरह से करे, वो मुलजिमान को किस तरह से सजा दिलवाए। एक गरीब घराने से ये ताल्लुक रखते हैं, आप अंदाजा इसी चीज से लगा लीजिए कि इनके घर में वॉशरूम तक नहीं है। कब तक ये गरीब आवाम मीडिया के सामने आकर रोती रहेगी,
इंसाफ की फरियाद के लिए। इंसाफ कोई नहीं देता, इसी वजह से ये लोग मीडिया पर आते हैं, इसी वजह से ये लोग कैमरे में आते हैं, इसी वजह से आप लोग इनको सुनते हो कि कोई इनकी फरियाद नहीं सुन रहा होता। आप लोग बहुत सी गलतियां निकालते हैं, बहुत इल्जामात लगाते हैं, बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि हम लोग क्यों इनको लेकर आते हैं कैमरे के सामने। अगर हम लोग भी इनकी आवाज नहीं सुनेंगे ना तो ये बेचारे मर जाएंगे। सिद्रा की आवाज आपने अभी सुनी, उसका बयान अभी आपने सुना, उसने कहा कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला। उसकी वालिदा का यही कहना है कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। अगर हम लोग इनके नौकर बनकर इनके पास आ जाते हैं इनकी फरियाद सुनने के लिए, इनकी फरियाद हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए, तो इसमें क्या बुरा होता है मुझे बताइए। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन लोगों की फरियाद आप तक पहुंचाऊं। आपकी बहन बेटी महफूज हो, आपने अपनी बहनों बेटियों को खुद महफूज करना है। इस पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो आपको इंसाफ दिला सकेगा सवाए कायदे आजम की तस्वीर, समझ तो आप किए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह के बाद।